हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 11 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टेक्स्टबुक पेज नंबर 116 अनसॉल्व सब नंबर 4। 5-10 मिनट का काम है, फटफट कंप्लीट हो जाएगा। देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। From the following receipts and payment account of Satara Sports Club, Satara, prepare income and expenditure account. क्या prepare करना है? Income and expenditure account. और कुछ बोला है? Balance sheet वगैरह कुछ बोला है क्या? मतलब सिर्फ और सिर्फ income and expenditure. तो capital fund चाहिए क्या? Opening balance sheet copy paste होगा क्या? नहीं, सीधा सीधा marking हो गया। तो सबसे पहला है बैलेंस। क्या करेंगे? चौकड़ी मारेंगे भाई, काम का है क्या? नहीं। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, क्या होता है? इनकम। एंट्रेंस फीस, इनकम। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन किसी काम के लिए मिला मतलब लायबिलिटीज। इंटरेस्ट, इनकम। सेल ऑफ फर्नीचर, इनकम। सैलरी, एक्सपेंस। रेंट, एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंस। फिक्स डिपॉजिट, असेट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस। स्पोर्ट्स मटेरियल, एक्सपेंस। बैलेंस, असेट। अरे समझा? एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। एंट्रेंस फीस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, एंट्रेंस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है। स्टॉक, 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 स्टॉक मतलब फॉर्मेट बनेगा। एडजस्टमेंट जिसके ऊपर है, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल को मार्क कर दिया। इतना क्लियर? पक्का? अभी क्या करना है अंजलि? पोस्टिंग करना है। फॉर्मेट तो अपने पास है ही है, यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहला बैलेंस, बट उसके पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा ईयर एंड क्या है। ईयर एंड है बराबर है, जब साल 2019 में खत्म हो रहा है तो चालू कब हुआ रहेगा? तो ये मेरा करंट ईयर है, इसके ऊपर का साल चौकड़ी, इसके नीचे का साल चौकड़ी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? चलिए तब देखते दिया क्या गया है। पहला है बैलेंस, इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, तीन तीन दिया है। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया है? उसमें से ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, तीन तीन आया। ये जो 4000 आया वो कभी का आया है? 17-18 का। ये जो 3500 आया ये 19-20 का। ये आपके करंट ईयर का है, जो करंट ईयर का है वही मेरा इनकम है, बाकी सबको चौकड़ी मार देंगे। समझ में आया? तो सब्सक्रिप्शन कितना आएगा? 44,000। किधर जाएगा? इनकम साइड पे, बाय सब्सक्रिप्शन 44,500। इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। अरे समझा? समझा। एंट्रेंस फीस कहां जाएगा? एंट्रेंस फीस डायरेक्टली आउटर कॉलम में, सॉर एडजस्टमेंट है, सॉर एडजस्टमेंट है, सॉर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क किया है। इनर कॉलम में, इनर कॉलम में बराबर। हाँ, बट जरा एडजस्टमेंट रीड करो क्या दिया है। एडजस्टमेंट में दिया है कि जो एंट्रेंस फीस मिला है तुमको, ट्रीट करना है उसे, हमने उसे रेवेन्यू समझा है, तभी तो इनकम में लिखा है। अगर हम इसे कैपिटल समझते तो लायबिलिटीज में लिखते, तो इसका मतलब ये एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। ये बोल रहा है कि जो एंट्रेंस फीस का पैसा तुमको मिला है वो रेवेन्यू इनकम है, कैपिटल इनकम नहीं है। मतलब ये कोई अमाउंट विमाउंट दिया कि सॉल्व करने के लिए? नहीं, मतलब ये इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट नहीं है। समझ में आया क्या? अरे समझा, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली आउटर। तो स्टार मार्क क्यों किया? आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, बस इसीलिए। समझ में आया ये? अरे यस, पक्का। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कहां जाएगा? बनाया है क्या? इंटरेस्ट कहां जाएगा? इनकम। भाई इनकम के अंदर इंटरेस्ट डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? सेल ऑफ फर्नीचर, इसको नंतर सॉल्व करते हैं, ये बाद में सॉल्व करता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, तो इसको बाद में सॉल्व करता हूं। सैलरी कहां जाएगा? एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो टू सैलरी कितना? 5000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट स्टार मार्क किया हुआ है, कितना है? बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे
तो बोल रहा है कि आपने पेमेंट किया है किस चीज का, कितना पेमेंट किया है, लेकिन ये 5,000 में इंक्लूड कर रहा है 2,000 कभी का। अब सिंपल है, अगर ऐसा लिख के देता तो अपन इसको तो चौकड़ी मारते ना, जैसे टोटल इधर 52,000 है बट उसमें से 17-18 का ये था, 18-19 का ये था, 19-20 का था, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट कभी का है 18-19 का, यही इंपॉर्टेंट है ना। अब वो बोल रहा है टोटल रेंट कितना पैसा दिया आपने, उसमें से 17-18 का कितना है, 17-18 का है 2,000, तो वो अपन लिखेंगे क्या नहीं। तो अपने लिए इस साल का रेंट का खर्चा कितना है, सिर्फ 3,000, तो टू रेंट कितना आएगा 3,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। 5,000 क्यों नहीं लिखा समझा, 5,000 में 2,000 17-18 का, ये तो चौकड़ी मार देंगे, तो 5,000 में से 2,000 निकाला, इस साल का कितना है 3,000, समझा। अब वो ऐसा भी लिख सकता था बाय रेंट 17-18 2,000 18-19 3,000 टोटल 5,000। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते, ये लिखते क्या नहीं। सिर्फ ये लिखते ना, बट वो प्रेजेंटेशन है, उसने ऐसा नहीं देखे, ऐसा दिया और इसका इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में लिख दिया, समझा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहां जाएगा, एक्सपेंस में। अब क्योंकि एडजस्टमेंट एक लाइन छोड़ दिया आउटर कॉलम में। फिक्स डिपॉजिट कहां जाएगा, असेट आएगा के इधर नहीं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां जाएगा, एक्सपेंस में, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। जनरल एक्सपेंसेस कितना, 5,000, इस पे भी एडजस्टमेंट, इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर आने वाले साल का लिखते क्या अपन नहीं। तो 5,500 में 500 तो आने वाले साल का है, इस साल का कितना, टू जनरल एक्सपेंसेस कितना, अरे समझा। चलिए बढ़ेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल, एडजस्टमेंट में देखा था स्टॉक है, और जब भी स्टॉक है तो फॉर्मेट बनेगा, तो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एड परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बराबर है। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेगा, परचेज जो है वो पेमेंट साइड पे मिलेगा, तो जो पेमेंट साइड पे आपको दिख रहा है 40,000 वो कहा जाएगा परचेज, अरे पोस्टिंग समझा। उसके बाद बैलेंस तो चौकड़ी मार दिया, समझा पोस्टिंग पक्का। एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, तो भैया एड करेंगे किसमें, सब्सक्रिप्शन में एड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 4,500, भाई 4,500 ऐड किया, क्रेडिट साइड पे ऐड किया, क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, बैलेंस शीट में जाएगा बनाए क्या, समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एड एड करेंगे आउटस्टैंडिंग कितना, 1,000, तो भाई एड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 1,000, अरे समझा। इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में बनाया है क्या, नहीं। आगे बढ़ेंगे, एंट्रेंस फीस का तो हो गया। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक फॉर्मेट बनाया है तो 6,000 लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में लिख दिया। इसका दूसरा इफेक्ट आएगा क्या, अरे समझा, डन, सब हो गया। एक ही चीज बच गया, क्या बच गया, सेल ऑफ फर्नीचर। अब जब भी सेल ऑफ फर्नीचर या सेल ऑफ असेट जब भी आएगा ना, जब भी आएगा कोई भी नॉर्मल सम में भी अगर जब भी आएगा ना, तो क्या करना है, खाली दो एंट्री पास करना है, एक असेट बेचने का और एक एक्सपेंस या तो लॉस या तो इनकम का। वापस सेल ऑफ फर्नीचर या सेल ऑफ असेट का जब भी रिसीव पेमेंट पे ऐसा कुछ दिखेगा, वो तो दो चीज सॉल्व करने का, कितने का असेट बेचा, कितने का असेट बेचा, कितना फायदा कितना नुकसान। मैंने कितने का फर्नीचर बेचा, फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर में से माइनस होगा, फर्नीचर कहाँ रहता है, बनाया क्या असेट, तो इस 8,000 की एंट्री आएगी क्या। कितने में बेचा, मैंने क्या बोला है, जब भी सेल का आएगा दो चीज, असेट बेचने का और प्रॉफिट एंड लॉस, असेट बेचने का और प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, नहीं। इतने में बेचा, सामान कितने का था, 8,000 का सामान 4,500 में बेचा, मतलब मुझे लॉस हुआ कितना, लॉस हुआ। अब लॉस डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में कितने का लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,500, 4,500 नहीं, ये 4,500 पैसा आया है, 4,500 इनकम हुआ है क्या, नहीं।
हमको इनकम नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है, तो इनकम साइड पे 4,500 नहीं दिखा सकते। क्लियर? ऐसा हमने इसके पहले भी किया हुआ है, ऐसा ही सेम चीज हमने सेल ऑफ असेट का एक एडजस्टमेंट किया है। अगर नहीं समझा है तो अभी फिर से बोल रहा हूं, जब भी सेल ऑफ असेट आएगा सिंपल एक ही चीज, असेट बेचो प्रॉफिट एंड लॉस, असेट बेचो प्रॉफिट एंड, असेट कितने का बेचो वो असेट में से माइनस कर दो, और कितना फायदा कितना नुकसान, अगर लॉस हुआ तो डेबिट में और फायदा हुआ तो क्रेडिट में, बस वही और कुछ भी नहीं। इस अमाउंट का कुछ नहीं करने का, इधर जो भी अमाउंट दिया उसका कुछ भी नहीं करने का, ठीक है, नॉर्मल सम में भी और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी। डन? और कुछ बचा गया? क्या बचेगा? क्लोजिंग टोटल ले लिया 57, माइनस कर दिया, सरप्लस आया 5,900। डन विथ योर सम। क्लियर है सम? पक्का? तो आज के लिए इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।